आइए फिर इसी क्रम में हम आगे और सवालों को देखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में हमने ये देख लिया कि बेसिक कैलकुलेशन क्या है, कैसे परसेंटेज को अप्लाई करना है, ये हमने केवल अभी जाना है। अब क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे कि इनको अप्लाई कैसे करना है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कैसे आप पढ़ते हैं, कैसे आप ऑब्जर्व करते हैं, डिपेंड करता है इन बातों पर, ठीक है। तो चलिए टाइप नंबर 1 यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर कंपैरिजन बिटवीन प्रतिशत परसेंटेज, है ना। कंपैरिजन बिटवीन परसेंटेज, इसका मतलब प्रतिशत से प्रतिशत की केवल तुलना ही संभव है ना। मैं कहूँ कि मेरी वेतन 50% बढ़ गया है ना। तो कहने का मतलब है कि जिसकी जितनी भी अलग अलग वेतन है उसमें से 50% बढ़ गया होगा, है ना। तो आइए इन सब बातों को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं हम। तो आज हम पढ़ रहे हैं टाइप नंबर 1। आइए पहला क्वेश्चन लेता हूं मैं। तो आइए कुछ सवाल यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, उन सवालों को आपको हल करना है। आप नीचे से ऊपर की तरफ चाहिए, पहले हम ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, फिर ये सीखेंगे, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं वो कंपैरिजन पढ़ रहे हैं, किनके बीच, परसेंटेज के बीच, प्रतिशत के, प्रतिशत से प्रतिशत के बीच केवल तुलना संभव है, वही हम आज सीख रहे हैं। जैसे कि सबसे आसान ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप करना जानते हैं कैसे, 20 80 का कितने प्रतिशत है ना। इसका मतलब दो संख्याएं हैं 20 और 80, उनके बीच ही प्रतिशत तुलना हो रही है। आप जानते हैं, आपको ज्यादा घुमा के मैं बताता हूं, जब भी दो संख्याओं के बीच ये तुलना हो कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो ये शब्द आपको जरूर मिलेगा, का के की। इसके पहले जो आए वो हमेशा डेनोमिनेटर में रहेगा, 80, और जो बच गया वो ऊपर।
इसका मतलब आप इस बात को कह सकते हैं कि 20 80 का कितना भाग है। तो आप देखते हैं कि 80 में 20 का भाग क्या है, कितना 20 बटे 80 में लिखने का क्या मतलब है। हमने क्या सीखा था, हमने ये सीखा था कि कोई भी अगर प्रतिशत मान 25% 1/4 के बराबर दिखा जाता है, तो इसका मतलब 4 का 25% क्या है, 1। इसका मतलब नीचे हमेशा पूरा मान आता है और ऊपर क्या आता है, परिणाम, मतलब जो रिजल्ट निकाला जा रहा है। तो यहां पर क्या है, 20 बटे 80 लिखने का मतलब है कि 80 में 20 इतना भाग है। जब अनुपात या भाग आप निकाल लेते हैं तो उसमें 100 से गुणा कर देते हैं तो आपको प्रतिशत मिल जाता है। तो 20 चौके 80, 100 बटे में 4 कितना, 25%, है ना। यहां पर दिख रहा है, यहां पर देखिएगा, वहां दिख रहा है। चलिए 12 का कितने प्रतिशत, 3.6 है, तो का के पहले क्या आ गया, 12। तो 12 आ जाएगा नीचे, दो संख्याओं में एक संख्या नीचे तो एक संख्या ऊपर, गुणे 100। 12 3 36, दशमलव बचा है तो दशमलव 3 का 100 में गुणा होगा तो कितना आएगा, 30%। 8 का कितने प्रतिशत, 40 है, तो का के पहले क्या आ गया, 8, तो 8 नीचे आ गया, 40 ऊपर आ गया, गुणे 100। 8 5 40, 5 × 100 कितना, 500%, है ना। आप जानते हैं 8 का कितने प्रतिशत, 40 है, तो पहले 8 का कितना, 40 है, तो आपके अंदर 5 गुना है। मैं कहूंगा 5 गुना को आप प्रतिशत में बदल लो। तो आपने क्या सीखा था, 5 को हम लिख सकते हैं 5/1, कोई भी भिन्न है यदि उसे प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 500। तो कुल मिला के सब कुछ वही है, बस समझदारी के साथ साथ कॉन्सेप्ट इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, और भी अगर इसमें आपको समझना है तो मैं वो भी समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए 20 80 का कितने प्रतिशत है ये आपसे पूछा गया है, तो आप किसी भी चीज को डायरेक्टली परसेंटेज पे नहीं बता पाएंगे, है। तो इसलिए जरूरी कि पहले आप निकालें कि 20 80 का कितना है। तो 80 में 20 कितना है, तो आप कहेंगे सर 80 पूरा मान है तो उसमें 20 कितना है, इतना 20/80, 20/80 इतना है। इसी को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर लेते हैं, 100 से गुणा। तो खैर इतना अगर आप समझते हैं तो फिर तो कोई भी लैंग्वेज में क्वेश्चन हो आ जाए आप कभी भी इधर उधर नहीं भटक पाएंगे, मतलब आप कर ही लेंगे। लेकिन अगर आपको ये बात ध्यान है कि अगर प्रतिशत कंपैरिजन होगी तो काकी की जरूर आएगा। याद रखिए का के पहले जो भी आएगा वो डेनोमिनेटर में जाएगा, दो ही संख्याओं के बीच परसेंटेज कंपैरिजन होगी, जो बच जाएगी वो ऊपर आएगी और फिर प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुणा, है ना। तो ये बात आप समझ सकते हैं। इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, थोड़े से आपको केवल मेजरमेंट के थोड़ा से जानकारी हो, जैसे आप में क्या सवाल आ सकता है, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। 30 पैसे 2 रुपए का कितने प्रतिशत है। आप क्या कहेंगे, आपने अभी पढ़ा कि का के पहले जो आता है वो नीचे, तो आपने यहां लिख लिया 2, ऊपर लिख लिया 30, गुणे में 100। फिर आप कहेंगे सर 2 से काटा 15 बार है, 15 का 100 में गुणा किया कितना आ गया, 1500%। फिर मैं कहूंगा बेटा किया तो आपने सही है लेकिन थोड़ी सी सिली मिस्टेक कर दी है, इसीलिए जो उत्तर आया ये क्या आ गया, गलत। आप कहेंगे सर गलती कहाँ हुई, आपने तो यही पढ़ाया था। फिर मैं आपको बताऊंगा कि बेटा यहाँ पर 2 रुपए है, यहाँ पर पैसे हैं। मैथमेटिक्स कहती है कि अगर आप नंबर्स को यूज कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन नंबर्स के साथ साथ अगर यूनिट है तो नंबर की यूनिट भी एक होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, का के पहले क्या है, 2 रुपए पूरा लिखेंगे और बच क्या रहा है, 30 पैसे, वो ऊपर आएगा और गुणे में 100।
आपने इसे इसे तो काट दिया, लेकिन रुपए पैसे तो फंस गए। तो भगवान कहता है कि रुपए को पैसे बदल लो या पैसे को रुपए में, तो रुपए को पैसे बदलना आसान है। 2 रुपए में कितने पैसे? 200। तो आपने कहा पैसे से पैसे कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 2 से 30 कटेगा कितना? 15 में। तो यहां पर कितना आ गया? 15%। यहां पर दिखाई दे रहा है इधर, उधर दिखाई दे रहा है? ठीक है, बिल्कुल। तो ये अलग क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। किलोग्राम है एक तरफ, ग्राम है, का के पहले क्या है? 1.5 किलोग्राम। तो नीचे आप 1.5 किलोग्राम लिख देंगे। 1.5 किलोग्राम में 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम, 1500 ग्राम। और उधर ऊपर क्या है? 450 ग्राम गुणे 100। ग्राम से ग्राम कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 15 तिया 45। तो यहाँ कितना आ गया? 30%। तो इनमें यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर इन परसेंटेज का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? डीआई में। ठीक है, तो ध्यान रहेगा डीआई में भी इन कॉन्सेप्ट का बड़ा इस्तेमाल होता है। चलिए अब इन क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले दूसरा देखते हैं। एक संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है? ये भी बहुत अच्छा सवाल है। या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला होता है ना, 100x/100+x, वो आप याद कर लीजिए। लेकिन वो याद करके केवल सवाल जब इस तरह का आएगा तभी आप कर सकते हैं। अभी जैसे ही मैं वैल्यू बदलूंगा या सवाल की लैंग्वेज बदल दूंगा तो शायद वो फॉर्मूला आपके काम का ना रहे। तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। दो ही संख्या है, 1 और 2। तो अगर एक संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है तो मैं दूसरी संख्या को 100 ले लेता हूं। अगर दूसरी संख्या को 100 लूंगा तो इससे पहली संख्या क्या है? 25% कम। 100 का 25%, 25 25 कम है तो क्या ये 75 हो गई। एक तरीका तो ये है, मैं आपको हर तरीके समझा रहा हूं शुरुआत में, फिर हम लोग किसी एक तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अगर दूसरी संख्या 100 है तो पहली संख्या क्या है? 75। तो आपसे पूछा कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो पहले हमें यह बताना है कितना अधिक है। तो दूसरी संख्या भी पहली संख्या से कितना अधिक है? 25, है ना। दूसरी संख्या पहली संख्या से 25% अधिक है। इसका मतलब जो कंपैरिजन हो रही है परसेंटेज की, कहती है प्रतिशत वृद्धि, है ना। तो आप कहेंगे सर 25 ज्यादा है, और ये 25 किससे ज्यादा है? पहली संख्या से, मतलब 75। इसका मतलब आपने यहां जो 25/75 लिखा है उसका मतलब है कि पहली संख्या अगर 75 है तो उससे 25 ज्यादा दूसरी संख्या है। आपको प्रतिशत में बताना है तो गुणे में 100, 25 तिहाई 75। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 सही, 1/3%। तो यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप इस बात को जानते हैं कि 25/75 को सॉल्व किया आपने, 1/3 आया। आप 1/3 में जैसे ही 100 से गुणा करेंगे परसेंटेज का रूप हो जाएगा, और 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33 1/3%। समझ पा रहे हैं? एक तो ये तरीका है। एक तरीका क्या है कि इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू का आप इस्तेमाल मत कीजिए जब आपने परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू भी याद कर ली है। 25% कम है का मतलब क्या है? 1/4 कम है। इसका मतलब क्या है भाई? एक संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है। इसका मतलब यदि दूसरी संख्या 4 ली है तो 4 का 25% कितना आएगा? 1। इसका मतलब पहली संख्या कम है 1। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि दूसरी संख्या यदि 4 है तो पहली संख्या 1 कम है, तो है कितनी? 3। तो परसेंटेज दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना ज्यादा है? तो कितना ज्यादा है बता दो, कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है किससे? पहली संख्या से, 3 गुणे 100। 1/3 में परसेंटेज वैल्यू 33 1/3%। ये तो थी भाई समझने की बात। अगर ये बात आप समझते हो तो सच्ची बात तो कोई है ही नहीं, नहीं तो फिर फॉर्मूला भी याद कर लो। अगर प्रतिशत वृद्धि का सवाल है तो क्या आएगा? परसेंटेज कंपैरिजन हमेशा दो संख्याओं के बीच ही होगा, तो ऊपर हमेशा दो संख्याओं के बीच का अंतर आता है, दो संख्याओं के बीच का अंतर। नीचे जब भी प्रतिशत वृद्धि का सवाल होगा तो नीचे क्या आएगा? हमेशा
छोटी संख्या, और प्रतिशत में बताना तो 100 से गुणा। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, है ना। जैसे कि पहली संख्या यहां से ले लेते हैं भाई, पहली संख्या अगर 3 है, दूसरी संख्या क्या है 4, तो आपको बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अगर अधिक की तुलना हुई तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, नीचे हमेशा छोटी संख्या, 4 और 3 में छोटी कौन है, 3 गुणे में 100, है ना। इसी तरह से ऊपर हम लगाएंगे तो आप अभी से कर लीजिए, जैसे प्रतिशत कम कमी की अगर तुलना होती है तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, नीचे हमेशा आएगी बड़ी संख्या, और प्रतिशत बताना है 100 से गुणा। इस बात का अगर आपको ध्यान है तो थोड़ी सी आपकी जो यात्रा है वो आसान हो जाएगी। चलिए जैसे इस सवाल को देखते हैं, देखिए अभी ये सवाल में तो ज्यादा अंतर किसी भी तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही परसेंटेज वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी वैसे आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जैसे कि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो मैंने ए बी लिख दिया और मैं जानता हूं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। इसका मतलब जो मुझे मानना है वो क्या है, वो हमेशा डेनोमिनेटर बताता है। इसका मतलब अगर बी का वेतन में 5 रुपए मान लूं तो 5 का 20% क्या आएगा, 1। इसका मतलब अगर बी का वेतन 5 है तो उसका 20% मतलब 1 रुपए ज्यादा है, किसका, ए का वेतन, ए का वेतन अधिक है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब बी का वेतन अगर 5 है तो ए का वेतन 1 रुपए ज्यादा है, तो ए का है कितना, 6। आपसे पूछ रहा है बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, तो पहले ये पता चले कितना कम है, तो आपने बताया 1 रुपए कम है सर, मैंने कहा तुलना कर दो, प्रतिशत कमी की तुलना हो रही है, कितना अंतर है 1, किस दोनों में बड़ी संख्या क्या है 6 गुणे 100। इसे भी हल नहीं करना है, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू 16 सही 2/3, तो यही हमारा उत्तर आ गया। बाकी आपकी मर्जी है, सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे। आइए अब एक सवाल आपके लिए मैं बनाता हूं, उसको जरा करिएगा। वेतन बी के वेतन से 11 से 1/9% अधिक है और सी का वेतन ए के वेतन से 12 से 1/2% अधिक है, तो बी का वेतन सी के वेतन से 15% कम है, इसे लगाइए जल्दी।
तो ए का वेतन बी के वेतन से 11 से 1/9% अधिक है और सी का वेतन ए के वेतन से 12 से 1/2% अधिक है, तो बी का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है ये आपको बताना है। आइए करते हैं। अब देखिए यहां पर अगर क्या है कि 3 नंबर आ गए है ना, 3 नंबर आ गए हैं। अगर आप 100 लेते हैं जैसे कि आप हमेशा लेते हैं, तो 100 का आप 11 से 1/9% तो निकाल लेंगे, 11.11 कम कर देंगे तो वो जो आएगा आपका 89.89, उससे फिर आगे उसका 12 से 1/9% आपको निकालने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी, है ना। कहने का मतलब है कि ए बी और सी, ए का वेतन बी के वेतन से कितना अधिक है, 11 से 1/9%, और सी का वेतन ए के वेतन से 12 से 1/2% अधिक है ना। चलिए ट्राई कीजिए थोड़ा सा। तो 11 से 1/9% की वैल्यू क्या है ये देख लेते हैं। तो आपने रटा होगा, रटा है तो अच्छी बात है, तो एग्जाम में निकाल लेंगे 1/9। 11 से 1/9% का मतलब है 1/9, और कहा जा रहा है कि ए का वेतन बी के वेतन से 11 से 1/9% अधिक है। इसका मतलब कि अगर बी का वेतन 9 रुपये है, तो 9 का जब 11 से 1/9% निकालूंगा कितना आएगा, 1, और ये किसका है, ए का वेतन अधिक बताया जा रहा है। इसका मतलब बी का वेतन यदि 9 है तो इससे 1 ज्यादा ए का है, तो ए का कितना होगा, 10। अब आपसे कहा जा रहा है कि सी का वेतन ए के वेतन से 12 से 1/2% अधिक है। 12 से 1/2% का मतलब 1/8, और कहा क्या जा रहा है, सी का वेतन ए के वेतन से 12.5% अधिक है। इसका मतलब कि अगर ए का वेतन 8 रुपये है तो सी का वेतन 1 ज्यादा है। है ना, तो यहां पर अगर ए का वेतन 8 हो गया तो सी का 1 ज्यादा है, तो सी का 1 ज्यादा तो सी का है कितना, 9। तो आपने यहां से ये बना लिया। इसका मतलब क्या है कि ए और बी का जो अनुपात है वो 10:9 का है, और ए अनुपात है सी क्या है, 8:9। अब जानते हैं कि ए का जो भी वेतन होगा वो समान होगा, मतलब एक ही होगा, या 10 होगा या 8 होगा, तो हम इस प्रकार से समान कर लेते हैं। 10 में अगर 5 से गुणा कर दूं, सॉरी 10 में अगर 4 से गुणा कर दूं और 8 में 5 से, तो क्या हो जाएगा, 40। इसका मतलब ए का वेतन कितना है, 40 रुपये। आप जानते हैं ए अनुपात बी था, और अनुपात के दोनों पदों में एक संख्या से गुणा किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 4 से गुणा किया गया तो यहाँ 4 से गुणा कर दिया गया, 9 चौके 36। यहाँ 5 से गुणा किया गया है तो इसका अनुपात ये है, 9 पंचे 45। तो हमने ये निकाल लिया कि ए बी और सी के पास जो वेतन है उसका अनुपात है 40:36:45। इसका मतलब ए अगर 40 कमाता है तो बी 36 कमाता है, सी 45 कमाता है, तो बी का वेतन सी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो बी का वेतन कितना है, 36, सी का वेतन 45, कितना कम है, 9। कह रहा है प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत कम, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर नीचे बड़ी संख्या गुणे में 100, 9 पच्चे 45, 100/5 मतलब 20%। यही सवाल का सही उत्तर है ना। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके जीवन में आते हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप इस तरह के सवाल कर लेंगे। बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको समझना है कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, एक बार फिर मैं आपको आपको समझा देता हूँ इस तरह के सवाल। आपको कैसे तैयार रहना है वो देख लीजिए। ए बी सी, जैसे ए का वेतन बी के वेतन से 11 से 1/9% अधिक है,
तो 11 से ही 1/9 को आपने जान लिया, 1/9। तो बी का वेतन अगर 9 है तो इससे एक ज्यादा है ए का वेतन, तो ए का कितना है 10। आपने यहां देख लिया कि 12 से ही 1/2% का मतलब 1/8। तो पी का वेतन ए के वेतन से अधिक है, मतलब सी का वेतन ज्यादा है, और 1/8 मतलब ए का यदि 8 है तो सी का कितना हो जाएगा 1 ज्यादा मतलब 9। ए और बी का 10 अनुपात है, 9 में अनुपात है, ए और सी का जो है वो 8 अनुपात है, 9 का है। हम जानते हैं कि अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करने पर अनुपात में फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 और 8 ए के दो मान हैं, तो मैंने यहाँ 10 चौके 40 कर लिया, 8 पंचे 40। यहाँ 4 से गुणा तो यहाँ 4 से गुणा, 9 चौके 36। यहाँ 5 से गुणा तो यहाँ 5 से गुणा, 9 पचे 45। मुझे बी और सी का मान चाहिए था, तो बी का अगर 36 है तो सी का कितना है 45। इसका मतलब बी कितना 9 यूनिट कम कमाता है। कह रहा परसेंटेज बताओ, तो 9 यूनिट कम करता है, किससे कम कमाता है 45 से गुणे में 100, कितना आ गया 20%, है ना। तो एग्जाम में अगर इस तरह की स्पीड आपके पास है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो वही था, केवल कैलकुलेटिव था, ठीक है। आइए और सवाल कराता हूं मैं आपको। अगर आपको ये दिया गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो तीन सवाल इस पे बन सकते हैं, जरा आप जवाब दीजिएगा। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरा सवाल दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, या तीसरा सवाल ये तीन सवाल हैं, इसका जवाब सवालों को जवाब दीजिए। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तीसरा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, का कितना प्रतिशत है। चलिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, जवाब दीजिए जल्दी। आइए, तो आइए पहले संख्याओं को बना लें।
आइए। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं। तीसरी संख्या एक ही है तो आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने तीसरी संख्या 100 ले लिया तो पहली संख्या कितना है भाई, 20% अधिक। तो बताइए अगर तीसरी संख्या 100 है तो 100 का 20% 20, ये ज्यादा है तो ये कितनी होगी, 120। और क्या दूसरी संख्या जो है वो तीसरी संख्या से क्रमशः 50% ज्यादा है। तो आप जानते हैं कि तीसरी संख्या यदि 100 है तो 100 का 50% 50, ये ज्यादा है तो है कितनी, 150। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर तीसरी संख्या 100 है तो उसके सापेक्ष में पहली संख्या 120 होगी, दूसरी संख्या 150। फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, जैसे आपका मन है आप वैसे कर सकते हैं आप, ठीक है। तो पहले सवाल का उत्तर क्या होगा, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है। आपको प्रतिशत तुलना के लिए मुझे दो संख्याएं चाहिए, वो दो संख्याएं यहां पर मिल गई हैं, कौन कौन सी, पहली और दूसरी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो पहले पता चले कितना कम है, ये 120 है, 150 है, कितना कम है, 30। कह रहा है प्रतिशत में बताओ, तो प्रतिशत कमी कितनी, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर, नीचे जब कमी है तो ऊपर क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, बड़ी संख्या गुणे 100। 30 पंचे 150, 100/5 मतलब 20%। समझ पा रहे हैं इस बात को आप। दूसरा, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो वही है प्रतिशत अधिक की तुलना है दो संख्याओं के बीच, पहली और दूसरी में। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, तो अगर आप देखेंगे आप तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 30। कह रहे प्रतिशत में बताओ, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 30, नीचे हमेशा छोटी संख्या 120 गुणे 100। 30 चौके 120, 100/4 आप हल करेंगे कितना आएगा, 25%। यह है दूसरा सवाल। तीसरा सवाल देख लीजिए आप, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। ना प्रतिशत अधिक कह रहा है ना प्रतिशत कम कह रहा है, मतलब एक दूसरे का आपस में प्रतिशत तुलना हो रही है। और ये का जरूर आया है, तो का बताता है कि जो इसके पहले है वो नीचे आ जाएगी, तो दूसरी संख्या नीचे है बची पहली संख्या वो ऊपर गुणे 100, ये हमारा आंसर होगा। दूसरी संख्या कितनी है, 150, पहली संख्या कितनी है, 120 गुणे 100। तो आप यहाँ से 0 तो 0 काट दीजिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 5 दुनी 10, 20 चौके 80, कितना आ गया, 80%। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या क्या है, 80%। तो यहाँ पर हमने तीन सवाल किए छोटे छोटे, और ऐसे ही छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आते रहते हैं। तो पहली तो बात है कि जल्दबाजी में अगर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो पहले आप प्रयास कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो मुझे बताइए, मैं और क्वेश्चंस और तरीकों से बताने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अभी हम केवल परसेंटेज को सीख रहे हैं, हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया है। तो यहाँ तक अगर आप एक बार कहते हैं हाँ हमें समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ते हैं।